बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूलर थ्योरम को कंप्लीट किया था। यूलर थ्योरम को में हम लोगों ने करीबन 10 क्वेश्चन किए थे। आई होप कि 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो आज जो कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन में बचा है वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आप लोगों को करना है, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों का मतलब एक ही है, ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन या फिर चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में मैं केवल इतना कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दी गई है और कैसे चेंज करना है कि जो टेन जेड है वो किसके बराबर है, ई टू द पावर एक्स के। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या करना है कि जहां जहां जेड है वहां पे आपको क्या करना है, वहां पर आपको बच्चों करना है एक्स। जैसे यहाँ ये मैंने गलत लिखा, ये आपका जेड है डी वाई बाई डी जेड, तो जेड की जगह भी आपका एक्स आना चाहिए। तो एक्स जो जेड जो है बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में है हमारे पास में टेन जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को क्या करता हूँ कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो टेन जेड का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर जेड, और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और ई टू द पावर एक्स की जगह मैं लिखूंगा आपका टेन जेड। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास में यहाँ से सेक स्क्वायर जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की जगह मैं रखूंगा आपका टेन जेड। तो ये हो जाएगा टेन जेड, तो टेन जेड हो जाएगा। अब यहां से आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों टेन जेड डिवाइड बाई, इधर आ जाएगा मेरे पास में सेक स्क्वायर जेड। टेन जेड को मैं लिख सकता हूँ साइन जेड डिवाइड बाई कॉस जेड, और सेक स्क्वायर जेड को लिख सकता हूँ वन अपॉन में कॉस स्क्वायर जेड। तो एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास में, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन जेड इंटू में कॉस जेड, इतना आप लोग को मिल जाएगा। यहां से अगर मैं टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, देखिए टू साइन जेड कॉस जेड हो जाएगा साइन टू जेड डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे दो फार्मूले आपके बन गए, एक तो जहां मुझे जरूरत पड़ेगी डी जेड बाई डी एक्स की जगह मैं लिखूंगा साइन टू जेड बाई टू, या मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं डी जेड ऊपर कर देता हूँ, सॉरी डी एक्स ऊपर कर देता हूँ, डी एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू अपॉन में साइन टू जेड। तो मुझे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं उस हिसाब से इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास में देखिए क्वेश्चन मेरे पास में कुछ ऐसा है कि साइन स्क्वायर टू जेड डी टू आई बाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन फोर जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस के फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये है आपका इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पे मुझे अच्छा ये एक्स नहीं है ये जेड है, बार बार मुझसे ये गलती हो रही है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। डी वाई बाई डी जेड मुझे चाहिए, डी वाई बाई डी जेड को मैं लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी जेड को मैं लिख सकता हूँ तो डी वाई बाई डी जेड, और डी एक्स का मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया। अब इनकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, डी जेड को इधर भेज दूंगा डी एक्स को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी एक्स बाई डी जेड, और डी एक्स बाई डी जेड कितना है, डी एक्स बाई डी जेड है आपका टू अपॉन साइन टू जेड। तो इसको मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू टू अपॉन साइन टू जेड इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में
इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे चाहिए डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी जेड और डी वाई बाई डी जेड, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों की पोजिशन को मैं कर देता हूँ रिप्लेस एक दूसरे के साथ, तो इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड और इधर आएगा डी एक्स बाई डी जेड। हमने कुछ नहीं किया, डी जेड को मैं यहाँ पे ले आया तो मैंने डी जेड यहाँ लिख दिया, डी एक्स को मैं यहाँ पे लेके आ गया, इधर डी एक्स आ गया। अब देखिए आप, इधर आ जाएगा मेरे पास में डी बाई डी एक्स और इधर डी वाई बाई डी जेड आपका निकाला था मैंने पिछले इक्वेशन में, तो ये था टू बाई साइन टू जेड डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बाई साइन टू जेड डी वाई बाई डी एक्स, ये इतना आ गया। फिर है आपका डी एक्स बाई डी जेड, तो डी एक्स बाई डी जेड ये इक्वेशन नंबर वन से टू बाई साइन टू जेड, टू बाई साइन साइन टू जेड इतना आ जाएगा। तो एक तो ये टू है एक ये टू है, तो ये फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन टू जेड भी बाहर है डिफ्रेंसिएशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उनमें साइन टू जेड। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक बार डिफ्रेंसिएशन, अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि डी बाई डी एक्स है ये यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन साइन टू जेड, तो ये हो जाएगा कोसेक कोसेक टू जेड और इंटू में आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में फोर बाई साइन टू जेड। अब आइए ये एक फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन, तो पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन मतलब कोसेक टू जेड, डिफ्रेंसिएशन करूंगा सेकंड फंक्शन का, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, इस बार डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दूंगा मैं, डिफ्रेंसिएशन करूंगा कोस टू जेड का कोसेक टू जेड का, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस के कोट टू जेड और कोसेक टू जेड इतना आएगा, और फिर करूंगा टू जेड का तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में टू और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास में आएगा फोर अपॉन साइन टू जेड और इधर आ जाएगा कोसेक टू जेड डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए एक प्लस ये है ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, इधर टू है तो टू को मैं पहले कर लेता हूं, कोट टू जेड कोसेक टू जेड लिख लेता हूं तो टू कोट टू जेड और इधर आ जाएगा कोसेक टू जेड और डी वाई बाई डी एक्स बाद में लिखूंगा डी जेड बाई डी एक्स। देखिए डी जेड बाई डी एक्स क्या है ये रहा डी जेड बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन टू जेड अपॉन टू, तो इंटू में मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन टू जेड अपॉन में टू और लास्ट में लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में फोर अपॉन साइन टू जेड, इधर आ जाएगा आपका कितना कोसेक टू जेड डी टू वाई वाई और डी एक्स स्क्वायर, इधर टू से टू कैंसिल हो चुका। अच्छा देखिए साइन टू जेड और कोसेक टू जेड का आपस में मल्टीप्लाई होगा वन आ जाएगा, तो माइनस के कोट टू जेड और इधर आ जाएगा डी वाई वाई और डी एक्स इतना आ जाएगा। ये है आपका डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर के बराबर। तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, ये बनी है आपकी इक्वेशन नंबर फोर। तो बाई इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, तो क्या करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन टू में,
इक्वेशन टू है आपकी साइन स्क्वायर टू जेड और डी टू आई बाई डी जेड स्क्वायर है आपका, ये देखिए 4 अपॉन में साइन 2 जेड और ब्रैकेट है आपका कोसेक 2 जेड डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कोट 2 जेड डी वाई बाई डी एक्स, ये है आपका इतना पार्ट। और क्या है, और है आपका प्लस के साइन 4 जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस के साइन साइन 4 जेड डी वाई बाई डी जेड किसके बराबर है, डी वाई बाई डी जेड है आपका 2 बाई साइन 2 जेड और 2 बाई साइन 2 जेड और डी वाई बाई डी एक्स, ये इसके बराबर है। और एट द लास्ट क्या है आपका 4 वाई, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस के 4 वाई इज इक्वल टू जीरो, इतना हो गया। अब साइन स्क्वायर जेड और साइन स्क्वायर टू जेड, देखिए साइन टू जेड और साइन स्क्वायर टू जेड कैंसिल कर दीजिए। अब मैं साइन टू जेड का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस पूरे के पूरे अंदर, तो हो जाएगा 4 साइन 2 जेड और ये हो जाएगा कोसेक 2 जेड माइनस के 4 साइन 2 जेड और ये है आपका कोट 2 जेड। कोट 2 जेड को मैं लिख सकता हूं बच्चों कोस 2 जेड डिवाइडेड बाई साइन 2 जेड और इनटू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर आ जाएगा साइन 4 जेड इसको इतने पार्ट को, ये जो आपका लिखा हुआ है साइन 4 जेड इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन 2 जेड इंटू में कॉस 2 जेड और इंटू में आ जाएगा 2 अपॉन में साइन 2 जेड इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 4y इज इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे साइन 2 जेड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन 2 जेड और साइन 2 जेड कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए साइन 2 जेड और कोसेक 2 जेड दोनों का मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज छूट गई यहाँ पे, ये आपका छूट गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर छूट गया, तो जाएगा 4 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 कोस 2 जेड डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के, देखिए 1 2 ये हैं और 1 2 ये, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 4 कोस 2 जेड बचा है, अब ये बचा कोस 2 जेड और डी वाई बाई डी एक्स बचा, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस के 4 cos 2z है, ये प्लस के 4 cos 2z है, कैंसिल हो जाएंगे, तो एट द लास्ट मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा 4 d2y by dx² प्लस के 4y इज इक्वल टू 0, 4 को ले लूंगा कॉमन तो हो जाएगा d2y by dx² प्लस के y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका d2y by dx² प्लस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इसका आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा लेंदी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझ के करोगे, पेशेंस के साथ करोगे तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है, करके देखते हैं इसको। देखिए क्या है हमारे पास में, ये एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स टू द पावर 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स टू द पावर 3 और डी वाई बाई डी एक्स
प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर वन। अब आपके पास में गिवन क्या है, गिवन है आपका एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में जेड, तो आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड है तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आपको जरूरत पड़े डी जेड बाई डी एक्स की तो इनको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर टू। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy by dx, आपको चाहिए एक प्रॉब्लम हो गई है शायद, एक मिनट रुकिए जरा मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूं बच्चों। x टू द पावर 4 dx, हाँ इसमें क्या आप लोगों को करना है, इसमें ये करना है कि जो x है ना इसको z में कन्वर्ट करना है, जो x है इसको z में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी x की जगह आपको z लिखना है। अब एक चीज याद रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में z की जगह x किया था हम लोगों ने, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए dy/dx, तो dy/dx को मैं लिख सकता हूँ बच्चों dy/dx इनटू में dz/dz, इतना लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को चेंज कर लेंगे आपस में, इसको इधर और dz को इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dz और dz/dx, तो dz/dx किसके बराबर है, ये रहा इक्वेशन नंबर टू से माइनस जेड स्क्वायर के बराबर है, तो इधर आ जाएगा dy by dx is equal to माइनस के जेड स्क्वायर dy by dz, ये हो गया, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए d2y by dx स्क्वायर चाहिए, और तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy dx और इधर लिख सकता हूँ dy by dx, इतना लिख सकता हूँ। इसमें भी हम वही करेंगे, dz से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो dx और dz को इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब dx की जगह मैं लिखूंगा dz, ये मैंने लिख दिया, dy by dx को ऐसे ही रखेंगे, और dz by dz की जगह इस dz की जगह मैं लिखूंगा dx, तो ये आ जाएगा आपका d by dz, और यहां से dy by dx किसके बराबर है, इसके बराबर है माइनस के z स्क्वायर dy by dz के बराबर है, और इनटू में dz by dx किसके बराबर है, ये है आपका माइनस के z स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूं कि d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए एक तो माइनस ये रहा, ये माइनस और एक माइनस ये, दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस हो गए, ये z स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो छोड़ देंगे z स्क्वायर को, क्योंकि देखिए एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक बार मैंने जेड स्क्वायर को छोड़ा, डीवाई बाई डी जेड का डिफरेंशिएशन किया तो ये इतना हो गया, इस बार प्लस, इस बार क्या करेंगे डीवाई बाई डी जेड को छोड़ देंगे, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा टू जेड, और बाहर आपका जेड स्क्वायर था ही, अब क्या करूंगा जेड स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा जेड टू द पावर फोर डी टू वाई बाई टी जेड स्क्वायर प्लस टू जेड क्यूब और डी वाई बाई डी जेड, ये है आपका बच्चों डी टू वाई बाई टी एक्स स्क्वायर के बराबर, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, या इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से आपको क्या मिलेगा, यहां पे लिखिए बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट x टू दी पावर 4 है तो x की जगह तो आपको दिया हुआ था 1 अपॉन z, इसे मैं लिख लेता हूं x की पावर 4 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स प्लस के एन स्क्वायर वाई प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह था वन अपॉन में जेड तो वन अपॉन जेड की पावर फोर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, ये था आपका इसके बराबर जेड टू दी पावर फोर, जेड टू दी पावर फोर और डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर और था आपका प्लस के टू जेड क्यूब प्लस के टू जेड क्यूब डी वाई बाई डी जेड, इतना ठीक है, और क्या था प्लस के टू एक्स क्यूब था
प्लस के टू, एक्स क्यूब की जगह मैं लिखूंगा वन अपॉन जेड क्यूब, यहां भी मैं इतना छोड़ करके इतना कर देता हूं, वन अपॉन जेड की पावर फोर कर देता हूं, और मल्टीप्लाई में था डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये माइनस के जेड स्क्वायर डीवाई बाई डी जेड, माइनस के जेड स्क्वायर डीवाई बाई डी जेड और प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। जेड टू दी पावर फोर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा जेड टू दी पावर फोर अपॉन जेड टू दी पावर फोर डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के टू जेड टू दी पावर थ्री डिवाइड बाई जेड टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी जेड प्लस के टू इंटू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यूब इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए, जेड टू दी पावर फोर जेड टू दी पावर फोर से कैंसिल, जेड टू दी पावर थ्री से जेड टू दी पावर फोर कैंसिल, जेड बचेगा, जेड स्क्वायर जेड टू दी पावर थ्री एक से कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर बचेगा आपका डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के टू अपॉन में जेड डी वाई बाई डी जेड, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, हो जाएंगे टू अपॉन में जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस के टू बाई जेड डी वाई बाई डी जेड है, ये प्लस के हैं, तो ये हो जाएंगे आपको और डी टू बाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, यही चेंज है, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस वन इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, अपने आप करिए इसको, डू योर सेल्फ, ठीक है। आप अगर कहें तो मैं इसका आंसर भी नहीं लिख रहा, आंसर भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको आप ही करिए या फिर देख लेते हैं, आंसर लिख देता हूँ। चलिए आंसर है इसका डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के टू अपॉन में जेड डी वाई बाई डी जेड प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको खुद करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक्स टू जेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने क्लास में भी कई बार कराया, कई बार कराया, हर सेक्शन में कई बार कराया, ठीक है। तो इसको और कर लेते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, आपके क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। और एक चीज दी है, ये जो एक्स है ये किसके बराबर है, टेन जेड के बराबर है, एक्स है आपका टेन जेड के बराबर, तो इस एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हो जाएगा डी एक्स वाई और डी जेड इज इक्वल टू टेन जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, ठीक है। तो एक ये होगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पर मुझे डेल जेड बाई डेल एक्स को भी लिखना पड़ सकता है, तो इसको मैं लिखूंगा वन अपॉन में सेक स्क्वायर जेड और वन अपॉन सेक स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा और कॉस स्क्वायर जेड, इतना हो जाएगा, ठीक है। इस पूरी को मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर टू। अब आपको चाहिए डीवाई बाई डी एक्स, तो dy by dx को तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसे कि dy by dx इनटू कर देता हूं dz से, dz से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को चेंज करूंगा आपस में, तो ये हो जाएगा dy by dz इधर आ जाएगा और dz by dx आ जाएगा इधर, तो dz by dx इक्वेशन नंबर टू से देखिए dz by dx किसके बराबर है, cos स्क्वायर z के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, नो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स
और ब्रैकेट में लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे मैं कर देता हूं डी जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई, इनको आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, हो जाएगा डी बाई डी जेड डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी जेड बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां पर आएगा आपका डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर जेड इंटू डी वाई बाई डी जेड के बराबर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी जेड इंटू में है डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर जेड के बराबर है। इस कॉस स्क्वायर जेड को मैं लिखूंगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड आ जाएगा बाहर, डी बाई डी जेड इज इक्वल इंटू में कॉस स्क्वायर जेड आएगा इंटू में डी वाई बाई डी जेड इंटू में डी वाई बाई डी जेड, इनका मुझे डिफ्रेंशिएशन लेना। दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों इधर देखें, हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन कॉस स्क्वायर जेड, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, इस बार डी वाई बाई डी जेड को बाहर रखेंगे, कॉस स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन लेंगे तो पहले तो करेंगे पावर का, तो हो जाएगा टू कॉस जेड, फिर करेंगे कॉस जेड का तो हो जाएगा माइनस के साइन जेड, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कितना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर जेड, या कॉस का अंदर इसको तो इतना ही लिख लीजिए, हो जाएगा कॉस स्क्वायर जेड डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस टू साइन जेड कॉस जेड और डी वाई बाई डी जेड, ठीक है इतना आ जाएगा। कोस स्क्वायर जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा कोस टू दी पावर फोर जेड डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस के टू साइन जेड इंटू कोस टू दी पावर थ्री जेड डी वाई बाई डी जेड, ये आ जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर फोर। तो बाई इक्वेशन टू थ्री एंड फोर या वन थ्री एंड फोर, इससे क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए यहां था मेरे पास में वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस था मेरे पास में टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर था डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब एक चीज और दी गई थी कि एक्स इज इक्वल टू था बेटा आपका टेन जेड, तो एक्स की जगह मैं रखूंगा टेन जेड, तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है आपका कॉस टू दी पावर फोर जेड डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस के टू साइन जेड कॉस क्यूब जेड डी वाई बाई डी जेड, ये ठीक है। यहां पर आएगा आपका प्लस के टू, यहां पर वन प्लस टेन स्क्वायर जेड आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, देखते हैं क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है आपका कोस स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी जेड, हो जाएगा कोस स्क्वायर जेड डी वाई बाई डी जेड, इतना आ गया प्लस के वाई। अच्छा ये बराबर एक्स है क्या, इज इक्वल टू एक्स, ओके। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा बच्चों आपका सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर जेड, और सेक स्क्वायर जेड की होल पावर टू करूंगा तो ये हो जाएगा आपका सेक टू दी पावर फोर जेड, सेक टू दी पावर फोर जेड का जब मैं इसमें पूरे अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा
sec to the power 4z into cos to the power 4z d2y by d dz square minus 2 sin z, ये हो जाएगा आपका sec to the power 4z into cos to the power 3z dy by dz plus 2, ये है आपका sec square हो जाएगा, हो जाएगा sec square z into, ये है आपका cos square z, multiply में है आपका dy by dz और plus के y और is equal to में है x, थोड़ा सा congested हो गया तो आप इसको समझिएगा। देखिए एक फार्मूला होता है कि cos z is equal to होता है 1 upon में sec z, cross multiply करूंगा तो हो जाएगा cos z is equal to into और sec z is equal to हो जाएगा 1, तो जहां cos z और cos z का multiply होगा वहां हमेशा 1 आएगा चाहे पावर कुछ भी हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1 और इनटू में है आपका d2y by dx स्क्वायर, cos टू द पावर 3z है sec टू द पावर 4, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूं, इन दोनों का आ जाएगा 1, इसको मैं लिखूंगा 1 into d2y by dx स्क्वायर माइनस 2 sin z, इधर यहां पे लिखा हुआ है sec to the power 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं sec z into sec to the power 3z into cos to the power 3z dy by dz dy by dz, इधर आ जाएगा। देखिए यहां पे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो sec z और cos z का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 dy by dz, कुछ और तो नहीं बचेगा जी, कुछ और नहीं, और प्लस के y, प्लस के y is equal to x, इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा सा एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, तो नहीं है, एक गड़बड़ तो ये है कि ये जो x है x की जगह मैं tan z रखूंगा, tan z यहां भी tan z ही रखूंगा और यहां पे आपका tan z आ जाएगा, और कहीं कैलकुलेशन पार्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई अभी तक, नहीं है, तो d2y by dx बिल्कुल ये सही अब तक, ठीक है अब तक तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा और d2y by और dx स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करके बना जाएगा तो माइनस के 2 और sin z, sec z को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में cos z, इधर आ जाएगा 2 dy by dz प्लस का y is equal to, इस x की जगह मैं tan z लिखूंगा, tan z, tan z, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि इसको मैं लिख सकता हूं d2y by d x की जगह बेटा dz लिखूंगा, फिर मुझसे प्रॉब्लम, ये टेक्निकल फॉल्ट है, जल्दी जल्दी में लिखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा dz स्क्वायर माइनस sin z अपॉन cos z, ये हो जाएगा आपका 2 tan z और इनटू में dy by dz भी था तो मैं यहां पे लिखना भूल गया, ये dy by dz कर लीजिए आप, dy dy by dz, तो ये हो जाएगा dy by dz plus के 2 dy by dz plus के y is equal to tan z, और ये क्वेश्चन कहीं गलत हो चुका है तो इसका कैलकुलेशन पार्ट एक बार बच्चों देख लेते हैं। यहां पे मैंने cos square z से मल्टीप्लाई किया था तो ये इतना आ गया था, बिल्कुल ठीक है। यहां पे d2y by dx स्क्वायर की जगह मैंने इतना लिख दिया, ये भी ठीक, प्लस 1 प्लस 2z, ये 2 प्लस tan स्क्वायर z, 2
टू प्लस टू इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर जेड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने लिख दिया था कोस स्क्वायर जेड, इतना ठीक है। ये आपका सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का और इसका सेक पावर फोर अंदर मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इतना आ गया, ये हो जाएगा आपका टू सेक डीवाई बाई डी एक्स। कुछ और भी था क्या? यस, एक चीज और थी जो हम भूल गए, टू एक्स था, तो मैं यहाँ पे टू एक्स लिखना भूल गया, तो टू के साथ मल्टीप्लाई में एक्स की जगह आ जाएगा बच्चों टेन जेड, टेन जेड, तो यहाँ भी इन टू में टेन जेड आएगा। और नेक्स्ट यहाँ भी टू इंटू टेन जेड आएगा, और एट द लास्ट यहाँ भी आपका टू इंटू टेन जेड आएगा, और यहाँ भी एक यहाँ भी टू टेन जेड डी वाई बाई डी जेड आएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कुल मिलाकर के मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू टेन जेड, टेन जेड, ठीक है। ये दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो दोस्तों फाइनली जो मेरे पास में रिजल्ट आया है वो यही है कि डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू टेन जेड, दिस इज द फाइनल, दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इस पूरे क्वेश्चन में एक गलती है, ये यहाँ पे एक्स के जगह डी जेड आएगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू है ई टू द पावर जेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड पर ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसको भी आप लोग अपने आप करिए टू योर सेल्फ, ठीक है। इसका आंसर बल्कि मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, आंसर यही है, यही आप लोग को प्रूव करना है। अगर ये आपका आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप लोग को लिखना है डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा इधर ऐसे यहां से ई टू द पावर, अगर मैं एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी एक्स बाई डी जेड ई टू द पावर जेड आएगा, और डी जेड बाई डी एक्स करूंगा तो हो जाएगा वन अपॉन ई टू द पावर जेड, कितना आ जाएगा। और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करोगे आप लोग, आप लोग इसको ऐसे लिखोगे डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखोगे, फिर डी जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिएगा तो हो जाएगा वन डी अपॉन डी जेड डी वाई बाई डी जेड डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स आपका यहां से आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका यहां से मिल जाएगा, फिर उसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आप रखना है आपको यहाँ पर, एक्स की जगह ई टू द पावर जेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, एक्स की जगह ई टू द पावर जेड रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये, ठीक है। तो इसको भी खुद ही करना है प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि ये जो पांच क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए हैं इसी में से आपको फाइनल एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोग कर चुके हैं तो कुछ अलग सा भी आएगा तो आप उसको कर लोगे बड़े आराम से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख तक एक एक क्वेश्चन आप लोग का सारा क्वेश्चन बैंक का आप लोग को करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों को इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।